हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज हाउस। माई सेल्फ हिमांशु चौहान। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि, और जो साइड में बेल आइकन है उस पर क्लिक कर लें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जो बार्क यानी कि बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में जो है वैकेंसी निकली है उसके बारे में आपको डिटेलली बताएंगे। तो फ्रेंड्स, जो ये बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है इसमें स्टाइपेंड्री ट्रेनीज की जो है वेरियस पोस्ट निकली हैं और ये कुल टोटल जो पोस्ट हैं 224 जो हैं टोटल पोस्ट हैं। तो आइए इसे देखते हैं थोड़ा क्या क्या है इसके बारे में। इसमें इम्पोर्टेंट देखते हैं। सबसे पहले जो एप्लीकेशन बिगन है यानी कि हम फॉर्म कब से भर सकते हैं, तो ये है 28/7/2018। सो फ्रेंड्स, 28 जुलाई 2018 से जो है इसके फॉर्म हम फिल करने शुरू कर सकते हैं। और लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन ये है 20/8/2018, यानी कि 20 अगस्त 2018 तक हम फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि लगभग लगभग 1 महीना है हमारे पास फॉर्म भरने के लिए। और लास्ट डेट फॉर पे एग्ज़ाम फ़ी ये भी जो है 20 अगस्त 2018 है। और फ्रेंड्स, इसकी अभी कोई एग्ज़ाम डेट नहीं आई है तो मैंने आपको शो नहीं किया है इस वीडियो में। जैसे ही इसकी एग्ज़ाम डेट आएगी तो हम आपको नोटिफाई कर देंगे वीडियो के थ्रू। तो ये इम्पोर्टेंट डेट्स थी इससे रिलेटेड। और ये देखते हैं एप्लीकेशन फ़ीस, देखते हैं फॉर्म की। जैसे ही कैटेगरी 1 के जो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट हैं उनके लिए जो फ़ीस है वो 150 है, और कैटेगरी 2 की जो पोस्ट है वो जनरल और ओबीसी की 100 है। यानी गाइज, इसमें जो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 है ये पोस्ट डिवाइड हुई हैं, और SC ST और फिजिकल हैंडीकैप के लिए जो है ये फॉर्म फ्री है, यानी कि 0 रुपीज़ है, कोई चार्ज नहीं है उनसे। और ऐसे ही फीमेल कैंडिडेट जो है उनके लिए भी कोई चार्ज नहीं है, उनके लिए भी ये फॉर्म बिल्कुल फ्री है। तो ये एप्लीकेशन फ़ीस हो गई है। आइए हम देखते हैं एज लिमिट क्या क्या है फ्रेंड्स इसमें फॉर्म में। तो कैटेगरी 1 की जो पोस्ट है उनके लिए जो एज लिमिट है एक वो है 19 ईयर्स टू 24, यानी कि 19 साल से 24 साल तक के जो कैंडिडेट हैं वो फॉर्म फिल कर सकते हैं कैटेगरी 1 के लिए। और जो कैटेगरी 2 की जो पोस्ट हैं उसके लिए एज लिमिट मांगी है 18 साल से लेके 22 साल तक, यानी कि जो 18 से 22 तक के की एज के जो कैंडिडेट हैं वो कैटेगरी 2 की पोस्ट जो है फिल कर सकते हैं, भर सकते हैं। तो ये एज लिमिट हो गई है। आइए देखते हैं वैकेंसी वाइज जो पोस्ट हैं। जैसे कि कैटेगरी 1 की जो पोस्ट हैं वो मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, केमिकल है, सिविल है, कंप्यूटर साइंस है, केमिस्ट्री है और फिजिक्स है। तो जो कैटेगरी 1 की पोस्ट है उनकी जो एलिजिबिलिटी है मैं आपको बताता चलता हूँ साथ साथ। इसमें डिप्लोमा मांगा है इन रेस्पेक्टिव फील्ड, जैसे डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस का, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। सो ऐसे ऐसे जो है इनका डिप्लोमा मांगा गया है कैटेगरी 1 की पोस्ट में। आइए कैटेगरी 2 का भी देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, कैटेगरी 2 की जो पोस्ट है उसमें प्लांट ऑपरेटर की है एक तो पो, और जो दूसरी पोस्ट है वो है लेबोरेटरी की। यानी कि फ्रेंड्स, प्लांट ऑपरेटर और लेबोरेटरी ये कैटेगरी 2 के अंदर आई हैं दोनों पोस्ट। और इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो 10+2 है विद एटलीस्ट 60% मार्क्स, यानी कि 12th में जो है आपके कम से कम जो है 60% मार्क्स जरूर होने चाहिए फ्रेंड्स। और सो इस फॉर्म से रिलेटेड इतना ही इस वीडियो में। टोटल पोस्ट मैंने आपको बताई दी है कि 240 के समथिंग है। सो फ्रेंड्स, और इससे रिलेटेड जो भी स्टडी मटेरियल है आपको हमारी जो चैनल पे प्रोवाइड किया जाएगा वीडियोस के थ्रू, इसकी प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नॉलेज हाउस को। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।